हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सेल्स रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ सेल्स रिकॉर्ड्स, टाइप्स ऑफ सेल्समैन रिपोर्ट्स एंड यूटिलिटी ऑफ सेल्स रिकॉर्ड्स एंड सेल्स रिपोर्ट्स। ये टॉपिक आता है हमारे सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कंट्रोलिंग सेल्स पर्सोनल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम कंट्रोलिंग सेल्स पर्सोनल का मीनिंग था, ऑब्जेक्टिव था, इसके मेथड्स है, टेक्निक्स है, लिमिटेशंस हैं, और जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो हम सारे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले जो सेल्स रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ये क्या है? सेल्स रिकॉर्ड यानी जो भी हमारी सेल्स हो रही है उनको रिकॉर्ड करना, और रिपोर्टिंग सिस्टम यानी रिपोर्ट करना टॉप मैनेजमेंट को। तो सेल्स रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस रिकॉर्ड्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्समैन रिपोर्ट्स। यानी जो भी हमारे सेल्स रिकॉर्ड है ये कौन बनाता है, कौन मेंटेन करता है इनको? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिकॉर्ड हमारा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्समैन रिपोर्ट, क्योंकि जो हमारे एक्चुअल में कस्टमर्स के साथ मीटिंग किसकी होती है? सेल्समैन की होती है। तब सेल्समैन अपनी मतलब सेलिंग करने के लिए जाते हैं कस्टमर्स के पास, तो वो रियलिटी में तो वही कस्टमर से मिल रहे हैं कि उनकी क्या डिमांड है, क्या उनका फीडबैक है, ठीक है, क्या क्या उनके सजेशंस हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, कस्टमर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, ये सारी कौन बताता है? सेल्समैन बताता है, ठीक है, डिपार्टमेंट को, सेल्स मैनेजर को। तो ये सारी हम किसकी बेस पे बनाते हैं? सेल्समैन रिपोर्ट्स की बेस पे। सेल्समैन क्या करता है? रिपोर्ट सेंड करता है अपनी अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज की, कि जैसे उनको सेल्स स्ट्रेटजीज डिवाइड कर दी कि ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया आपका है, तो वहाँ पे वो पीरियडिकल बेसिस पे अपनी अपनी जो भी रिपोर्ट होगी वो सेंड करेंगे। और सेल्स रिकॉर्ड में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा? सेल्स कितनी हुई है, कितनी कॉल्स हुई थी कस्टमर के पास, और कस्टमर की क्या क्या कंप्लेंट्स आई हैं, हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, कितना हमें कस्टमर से कैश मिला है, कितने हमने डिस्काउंट ऑफर किए। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएगी और ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की, कि वो आगे जैसे उन्होंने सेल्स प्लानिंग करनी है, सेल्स फोरकास्टिंग करनी है, सेल्स कंट्रोल करनी है, तो इन बाकी सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगी हमारे सेल्स रिकॉर्ड। इसके अलावा ये हमारी हेल्प करती है जो भी सेल्स डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ होती है उनको कोऑर्डिनेट करने में, और जो भी हमारे फंक्शनल एरियाज हैं उनको मैनेज करने में। प्रोडक्शन शेड्यूल्स भी हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रिकॉर्ड एंड सेल्स फोरकास्ट, कि हमें पता है हमारी सेल्स ये हुई है, ये होने वाली इन फ्यूचर, और उसके बेस पे ही हम प्रोडक्शन करेंगे जिससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो जो हमारे सेल्स रिकॉर्ड है ये बेसिकली टू पार्ट्स में क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट हमारा सेल्स एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड, एंड सेकेंड हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ अदर सेलिंग एक्टिविटीज। सो इसके अंदर फर्स्ट हमारा सेल्स एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड। तो इसके अंदर जो भी हमारा डेटा रिलेटेड टू सेल्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है वो सारा रिकॉर्ड होगा। सेकेंड है रिकॉर्ड्स ऑफ अदर सेलिंग एक्टिविटीज। तो अदर सेलिंग एक्टिविटीज में हमारा इंक्लूड होता है रिपोर्ट रिगार्डिंग सेल्स कॉल मेड, आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी है, कस्टमर की कंप्लेंट्स क्या है, सेल्समैन का प्लान्स रूट क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। जो भी हमारी सेल्स रिपोर्ट होगी ये कौन बनाएगा? हमारा सेल्समैन बनाएगा, ठीक है, और ये किसको देगा? ये हमारा देगा सेल्स मैनेजर को। इस क्योंकि जो हमारा सेल्समैन है ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं? डे टू डे कस्टमर से, और ये डिफरेंट टेरिटरीज में स्कैटर्ड है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है जो भी इनकी टेरिटरीज हैं, ठीक है, वहाँ से वो पर्टिकुलर पीरियड टाइम होता है ना, वो पर्टिकुलर पीरियड रेगुलरली अपनी फिक्स्ड इंटरवल पे अपनी रिपोर्ट सेंड करते हैं सेल्स मैनेजर को, और सेल्स मैनेजर उनके बेस पे डिसीजन लेता है, उनको एनालाइज करता है, इवेलुएट करता है इंडिविजुअल सेल्समैन को भी, ताकि इंडिविजुअल सेल्समैन की परफॉर्मेंस को चेक कर सके, कंट्रोल कर सके, और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, जो हमारे कंपिटिटिव हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो यहाँ से ये क्या है, हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सेल्स मैनेजर के लिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट करता है। सेल्स मैनेजर इसके बेस पे ही डिसीजन लेता है कि क्या उनको जो भी वो डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, जो पॉलिसीज यूज़ कर रहे हैं, वो उनको आगे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमारे कंपिटिटिव कौन सी जो हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी और पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो कस्टमर है वो एक्चुअल में सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उनको क्या क्या
चीज़ों की नीड है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, हम वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जो हमारे सेल्समैन है वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर वो हमारी सेल्स को नेगेटिव अफेक्ट ना करें। तो ये थे हमारे सेल्स रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेल्समैन रिपोर्ट्स। तो हमारे इसमें बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है, हर सेल्समैन की इंडिविजुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है कि उसने कितनी सेल्स कॉल करी, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि जैसे हमने पर्टिकुलर सबके लिए देख लिया कि एक महीने के अंदर किसने कितनी सेल करी है, एक्चुअल में कितने कस्टमर के साथ वो कनेक्ट हुआ है, कितने उसने ऑर्डर लिए हैं, तो उसकी जो भी सारी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके उसके बेस पे हम देखेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसके बाद हमारी सेकेंड आती है फ्यूचर वर्क प्लान रिपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती है सेल्समैन के द्वारा अबाउट देयर फ्यूचर वर्क प्लान कि फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि मतलब इन यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल टेबल बनाई जाएगी जिस पे सेल्समैन का नाम लिखा होगा, सेल्स स्ट्रेटजी लिखी होगी, वहाँ पे टाइम पीरियड लिखा होगा कि कितने से कितने टाइम पीरियड के लिए बनाई जा रही है, उसके बाद डे लिखा होगा हमारा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसका कौन कौन से कस्टमर से वो मिलने वाला है, कहाँ पे मिलने वाला है, उसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ विजिट, तो ये सारा देखा जाएगा हमारा। इससे क्या होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव को पता होगा कि जो हमारा सेल्समैन है वो कहाँ पे है और क्या कर रहा है ना, और उसकी रिपोर्ट्स जो है वो हेल्प करेगी टाइमली इवेल्युएट द फ्यूचर रूट प्लान्स एंड ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स। इसके बाद हमारा थर्ड आता है सेलिंग एक्सपेंस रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमारा टाइम, तो जैसे टाइम भी पता होता है हमें, सेल्स स्ट्रेटजी भी पता है, सेल्स अलग अलग सेल्समैन के इंडिविजुअली बनाएंगे हम, यहाँ पे भी डेज वाइज लिखेंगे हम मंडे ट्यूसडे, फिर जैसे पूरे वीक का हमने लास्ट में जाके टोटल कर लिया। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस का अलग अलग से बनाते हैं, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हुए, ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितने हुए, मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितने हुए, टोटल एक्सपेंसेस क्या हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंसेस भी लिखे जाते हैं कि मंडे को हमारा इतना ट्रैवल एक्सपेंस लगा, ट्यूसडे को इतना लगा, इतने हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लिखे, ठीक है। वैसे हमारी सारी सेलिंग एक्सपेंसेस रिपोर्ट से नाम पता चल रहा है कि जो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं हम उनकी रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है सेल्स कंप्लेन रिपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है कि उनकी क्या क्या कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी डिज़ाइन प्राइस पैकेजिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है, क्या क्या उनके ऑब्जेक्शंस हैं, क्या उनके नेगेटिव रिमार्क्स हैं, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट हमें ली जाती है, लाइक हम तब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, तब भी हमें डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद हमें स्टार देने होते हैं कि भाई 5 स्टार में से हम उसको कितने स्टार दे रहे हैं, क्या हमारा फीडबैक है, ठीक है, हमें वहाँ पे भी लिखने के लिए ऑप्शन दिया जाता है ताकि इन फ्यूचर वो अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो वो इन फ्यूचर वो चीज़ ना करें और जो कस्टमर से जो लेवल ऑफ कस्टमर है सेटिस्फेक्शन उसको वो एनहांस कर सके। इसलिए यहाँ पे कंप्लेंट रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि वो उन चीज़ों को जो भी उनकी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको दूर कर सके और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद है हमारा फिफ्थ न्यू बिजनेस रिपोर्ट। न्यू बिजनेस रिपोर्ट यानी नाम से ही पता चल रहा है कि रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू सेल्स एरियाज न्यू कस्टमर्स न्यू डीलर्स, क्योंकि बिजनेस है वो सिर्फ एक जगह पे तो नहीं टिक सकता, उसको कुछ ना कुछ न्यू इंसेंटिव्स लेने पड़ते हैं कि वो अपने जो मार्केट शेयर को इंक्रीज करे, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता, कोई ना कोई एक्शन जरूर लेता है। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट कि हमारे कौन कौन से न्यू सेल्स एरियाज हैं, न्यू कस्टमर्स हैं, कौन कौन से हमारे न्यू डीलर्स हैं। तो यहाँ पे हम न्यू चीज़ें देखेंगे कि हम न्यू कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सके, न्यू मार्केट एरियाज को आइडेंटिफाई कर सके, वहाँ पे एंटर कर सके और हमारे बिजनेस की ग्रोथ कर सके। उसके बाद हमारा सिक्स्थ लॉस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि रिपोर्ट किसकी रिगार्डिंग होती है, अबाउट लॉस ऑफ एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो
जो सेल्समैन है वो एक्सप्लेन करेगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाए, रीजंस क्या हैं जो वो हमारे कस्टमर थे वो अब नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मॉडिफाई करेंगे अपनी सेल्स पॉलिसीज को, ताकि इन फ्यूचर पॉसिबल हो कि जो हमने लॉस ऑफ कस्टमर किए हैं उसको चीज़ को हम अवॉइड कर सकें और फ्यूचर में उन कस्टमर को हम रिटेन करके रखें, यानी अपने पास रखें। ऐसा ना हो कि वो हम अपने कस्टमर का कि कस्टमर मतलब हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस ना करें। द हायर अथॉरिटीज कैन मेक एफर्ट्स टू री एस्टैब्लिश बिजनेस रिलेशन विद लॉस्ट कस्टमर्स। ठीक है, तो मतलब जो हमने कस्टमर्स को मतलब बाय किसी भी मिस्टेक से जो कस्टमर हमारे नहीं रहे हैं, तो हायर अथॉरिटी एफर्ट करती है उन कस्टमर के साथ रिलेशन दोबारा से रीस्टैब्लिश करने का, ताकि हम अपने उन कस्टमर्स को वापस बना सकें। इसके बाद हमारी यूटिलिटी ऑफ सेल्स रिकॉर्ड्स एंड सेल्स रिपोर्ट्स की यूटिलिटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी जो भी हमने डाटा सेल्स रिकॉर्ड्स के थ्रू मिल रहा है, सेल्स रिपोर्ट्स के थ्रू मिल रहा है, तो इससे हम सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उसकी क्या वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, क्या हमें उसे कमीशन देना चाहिए, या फिर अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा ठीक है तो उसको डिमोशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमें परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। सेकंड है कंट्रोल ओवर वेस्टफुल सेलिंग एक्सपेंसेस, कि अगर हमें लगता है कहीं ना कहीं हम सेलिंग एक्सपेंसेस कहीं पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे कंट्रोल करता है। जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी क्या सजेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर्स की क्या कंप्लेंट्स है, क्या उनके सजेशन है, सो दैट हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव कर सकें, हमारे कंपिटिटर्स की स्ट्रेटजी क्या क्या है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेल्स पॉलिसीज सेल्स प्रोग्राम्स को हम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कंपिटिटर्स की स्ट्रेटजी को देख के, ताकि हम उनको कम्पिटिट कर सकें। फिर है हमारा उसके बाद कि हम देखें कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड सेल्स शेड्यूल्स, क्योंकि जितनी हम प्रोडक्शन उतनी ही बनाएंगे ना जितनी हमारी सेल हो रही है। अगर हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बना दें और हमारी सेल्स कम हो तो इससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, और अगर हमारे सेल्स ज़्यादा और हम अगर प्रोडक्शन कम बना दें तो उससे क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो रह जाएंगे, है ना, जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता था वहाँ पे नहीं होगा। इसलिए एक प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड सेल्स शेड्यूल्स में। तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए। इसके बाद है हमारा सिक्स्थ है आइडेंटिफाई द डिफ़िकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय सेल्समैन, कि सेल्समैन को क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है तब वो कस्टमर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और उनको टाइमली असिस्टेंस करना, उनको प्रोवाइड करना गाइडलाइंस, ताकि इन फ्यूचर वो चीज़ उनको दोबारा फेस ना करनी पड़े और जो कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई कर सके और उनकी प्रॉब्लम्स को कम कर सके या फिर दूर कर सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।